देखिए, ऐसा मैंने तो बहुत सुना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर सुना होगा, जैसे कि मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया या मेरी शादी धोखे की वजह से टूट गई, या ऐसे धोखाधड़ी वाले बहुत सारे केसेस से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। इस पर हम सब लोगों का ये जवाब रहता है कि आज के ज़माने में ऐसा धोखाधड़ी वाली चीज़ें होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको ये बता दूं कि आज से 100 साल पहले भी ऐसा होना बहुत ज़्यादा कॉमन था? जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। जी हाँ, और आप लोगों को ज्यादा शौक में आने की जरूरत नहीं है। अब लोग इसलिए ये चीज बोलते हैं कि आजकल ये सारी चीजें तो बहुत कॉमन है, क्योंकि पहले से आज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर अच्छे लोगों की पॉपुलेशन बड़ी है, तो वैसे धोखा देने वाले लोगों की पॉपुलेशन भी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी ही ना। मेरी इन सभी बातों से कुछ लोग थोड़ा बहुत तो कंफ्यूज हो ही रहे होंगे, और मेरा आज का केस आपकी यही धोखाधड़ी वाली कंफ्यूजन को दूर कर देगा। चलिए, अब मैं आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाता और रूबरू कराता हूँ मेरे आज के केस से। मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप लोग देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। अब आज की कहानी हमें वापस से 1920s में लेके चलती है। अब 1920s में कहाँ, लंदन में ही। अब लंदन के बारे में तो मुझे आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर है तो सिर्फ ये जान लीजिए कि लंदन इंग्लैंड की कैपिटल है। दुनिया का लगभग हर एक इंसान कभी ना कभी लंदन जाने की ख्वाहिश तो ज़रूर ही रखता है। अब आप चाहे इंग्लैंड बोल लीजिए या पूरे यूनाइटेड किंगडम बोल लीजिए, इनकी सबसे बड़ी सिटी है लंदन। और मैं आप सबसे आशा रखता हूँ कि इस सिटी की हिस्ट्री से आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। और इसी सिटी में साल 1900 में जन्म हुआ नॉर्मन थॉर्ने नाम के लड़के का। अब क्योंकि एक पुराना केस है, तो नॉर्मन के बचपन के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन नॉर्मन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। अब साल 1920 में नॉर्मन एज अ इंजीनियर काम कर रहा था लंदन में ही, और फिलहाल इसी सिटी में वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। अब साल 1920 में ही नॉर्मन की मुलाकात हुई एक लड़की से जिसका नाम था एल्सी कैमरॉन, जिसकी उम्र 22 साल की थी और वो एक टाइपिस्ट का काम करती थी लोकल में ही। एल्सी नॉर्मन से 2 साल बड़ी थी। मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद एल्सी और नॉर्मन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब एक रीजन ये था कि एल्सी को हमेशा ये चिंता होती थी कि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, यानी 22 साल की उम्र तक भी उसकी शादी नहीं हुई है। अब ये टेंशन उसको इसलिए होती थी क्योंकि ब्रिटेन में लड़कियों की उस टाइम पे एवरेज एज 21 की थी और एलसी की सारी दोस्तों की शादी हो चुकी थी। इन्हीं सब रीजंस की वजह से एलसी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। लेकिन अब एलसी को ये था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और कभी ना कभी वो लड़का उनको प्रपोज तो ज़रूर करेगा और तब वो दोनों अच्छे से शादी कर लेंगे। अब साल 1921 में इंग्लिश इकोनॉमी की थोड़ी हालत खराब हो जाती है। अब इसका मतलब ये था कि साल 1919 और साल 1920 के कंपेयर में इकोनॉमी की प्रेजेंट में बहुत बुरी हालत थी। सभी लोग कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन पहले के 2 सालों जैसी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही थी। अब इसका इफेक्ट पड़ा लोगों की जॉब्स पे, और काफ़ी सारे लोगों की तरह नॉर्मन की भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भी जॉब चली जाती है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो तुरंत ही अगली जॉब को ढूंढने में लग गए। लेकिन क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ था, इसीलिए तुरंत उनको जॉब नहीं मिल पा रही थी। अब कई अटेम्प्ट्स के बाद नॉर्मन ने ये डिसाइड किया कि वो एक बिजनेस करेंगे, लेकिन उनका जो बिजनेस था उस बिजनेस को बड़े शहर में नहीं किया जा सकता था, और इसी रीज़न की वजह से नॉर्मन ने एक छोटे टाउन में शिफ्ट होने का सोचा, और उस टाउन का नाम था क्रोबोरो। ये टाउन ईस्ट ससेक्स में आता है और लंदन से पूरे 50 मील की दूरी पर था। उस टाइम पे इस टाउन की पॉपुलेशन थी 6,000 लोगों की। अब नॉर्मन ने अपने पिता से 100 पाउंड्स लिए और उस 100 पाउंड्स की बदौलत उन्होंने क्रोबोरो में एक छोटी सी जमीन खरीदी और उसी जमीन पे चिकन फार्म स्टार्ट कर लिया, और यही उनका बिजनेस आइडिया था। नॉर्मन ने अपने चिकन फार्म का नाम रखा विजली पोल्ट्री फार्म। नॉर्मन एक बहुत ही मेहनती आदमी था, उसने उस छोटी सी जमीन में ही अपने लिए एक रहने का ठिकाना बना लिया। वहाँ रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्हें मुर्गियों के बीच में नॉर्मन ने भी रहना सीख लिया था। धीरे धीरे
उनकी थोड़ी बहुत अर्निंग होने लगती है, लेकिन नॉर्मन को पूरा भरोसा था कि एक दिन उनका बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा। अब वीकेंड्स पे पूरे 50 मील साइकिल चलाकर नॉर्मन लंदन जाया करते थे अपने माता पिता से मिलने और अपनी गर्लफ्रेंड एलसी से मिलने। अब नॉर्मन ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ, उनका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब उन्हें वीकेंड्स पे भी और ज्यादा काम करना पड़ा, इसीलिए अब उनसे मिलने एलसी लंदन से यहाँ पे आती थी और एक दिन रहने के बाद वो वापस लंदन चली जाती थी। उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था। एलसी नॉर्मन के साथ बहुत ज्यादा खुश थी और ऐसा लग रहा था कि जल्द ही वो दोनों शादी भी कर लेंगे। लेकिन साल 1923 में एलसी की जॉब छूट गई और ये उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। अब क्योंकि उन दोनों को शादी करने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए ये और बड़ा सेटबैक था। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि उस टाइम में टाइपिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो एलसी को दूसरी जॉब बहुत आसानी से मिल जाती। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि एलसी को मसल टेंशन और हेडेक्स की प्रॉब्लम होने लगी। अब इसका मतलब ये था कि जब तक एलसी इन चीज़ों से रिकवर नहीं करेगी, तब तक वो दूसरी जॉब कर ही नहीं सकती। अब नॉर्मन और एलसी को पैसों की भी जरूरत थी, क्योंकि वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत एक चिकन हट पर नहीं कर सकते थे। लेकिन घर लेने के लिए या अच्छी जगह पर रहने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी और उतने पैसे जुटाने में उन्हें काफी टाइम लगने वाला था। लेकिन एलसी को शादी की बहुत ज्यादा जल्दी थी। इन सब के बावजूद उन दोनों ने एक दूसरे से मिलना नहीं छोड़ा। वीकेंड्स पे लगातार वो दोनों एक दूसरे से मिलते रहते थे। अब दिक्कत ये हुआ कि मिड 1923 में चिकन फार्म उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। नॉर्मन की इनकम काफी कम हो गई थी। अब दूसरी तरफ एलसी 25 साल की हो गई थी, इसीलिए वो नॉर्मन से बार बार पूछती थी कि एक शादी की डेट पक्की कर लो, एक शादी की डेट पक्की कर लो। अब उनका रीजन भी जायज था, क्योंकि उनकी सारी दोस्तों की शादी तो हो ही चुकी थी, उसके साथ साथ उनके बच्चे भी हो गए थे। लेकिन एक बार फिर से नॉर्मन ने उनको रुकने के लिए बोला और ये कहा कि हमारे हालात थोड़े ठीक हो जाएं तो हम दोनों चैन से शादी कर लेंगे। इसके बाद सब कुछ वापस से पहले जैसा हो जाता है। लेकिन साल 1924 के जून में नॉर्मन एक लोकल डांस बार में चले जाते हैं और वहां पे उनकी एक लड़की से मुलाकात हुई जिसका नाम था एलिजाबेथ कोल्डिकॉट। वो एक ड्रेस मेकर थी और वहां के सभी लोग उसको बेसी बोलते थे, यानी बेसी कोल्डिकॉट। अब बेसी बहुत ही ज्यादा टेंशन फ्री रहने वाली लड़की थी। उनको कभी भी कोई टेंशन नहीं होती थी, वो हमेशा हंसती रहती थी और ये चीज नॉर्मन को बहुत ज्यादा पसंद आई, स्पेशली इस टाइम पे जहां पे एलसी का उनके ऊपर थोड़ा शादी का प्रेशर था। बेसी हमेशा नॉर्मन से हंसते हंसते ही बात किया करती थी और ये चीज नॉर्मन को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। इन सब चीजों के बाद नॉर्मन बेसी से और ज्यादा मिलने लगे। अब आप खुद ही समझ रहे होंगे कि ये सारी चीजें अब किस तरफ जा रही हैं। नॉर्मन बेसी को एज अ फियोंसे के रूप में देख रहे थे और ये चीज बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली थी। अब इन सब चीजों के बीच एलसी नॉर्मन से मिलने उनके फार्म पे भी आती हैं, लेकिन तब भी नॉर्मन ने उनको कुछ नहीं बताया। एलसी ने शादी के लिए फिर से पूछा, लेकिन एक बार फिर से नॉर्मन ने उनको वेट करने के लिए बोला। इन सब चीजों के बीच मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी एलसी नॉर्मन से मिलने उनके फार्म पे आती थी, तो रात में वो उनके फार्म पे न रुककर उनके पड़ोसियों के घर पे रुकती थी, जो कि एलसी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और इसका रीजन ये था कि फार्म पे रात को रुकने के लिए उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इन सब चीजों के बाद एलसी लंदन वापस चली जाती हैं। लेकिन नॉर्मन के मन में ये था कि आखिर कभी न कभी उसको एलसी को बेसी के बारे में बताना ही पड़ेगा, और आखिरकार नवंबर में एक लेटर लिखकर उन्होंने ऐसा किया। नॉर्मन लेटर में ये लिखते हैं कि उन दोनों को अपनी एंगेजमेंट को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मन को एक दूसरी लड़की पसंद आ गई है जिसका नाम बेसी कोल्डिकॉट है। ये पढ़ते ही एलसी की हालत खराब हो जाती है, वो एकदम पागल हो जाती है। एलसी के मन में ये था कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 4 साल खराब कर दिए और वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। उनको उसे खराब नहीं करना था, इसीलिए उस लेटर के रिप्लाई में उन्होंने ये लिखा कि उन दोनों को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। बेचारी एलसी, अब उनके मन में ये आ रहा था कि एंगेजमेंट करने के बाद, उनके हेल्थ इश्यूज के बारे में जानने के बाद, 4 साल साथ रहने के बावजूद वो लड़का उनसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ रहा है। अब 30 नवंबर साल 1924 को नॉर्मन को बिना बताए हुए एलसी एक ट्रेन पकड़कर क्रोबर्ग पहुंच जाती हैं और सीधा फार्म पे चली जाती हैं। फार्म पे नॉर्मन उनको पाकर बहुत ज्यादा शॉक में आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा प्लीज भी नहीं थे, लाइक उनको एलसी की मौजूदगी बहुत ज्यादा पसंद नहीं थी।
वहाँ पे एलसी उनके ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाती है और सीधा ये बोलती है कि उन्हें शादी की एक डेट बता दो। अब चाहे शादी बड़े लेवल पे हो या छोटे स्तर पे, बस उन्हें शादी करनी थी। अब 3 दिसंबर साल 1924 को नॉर्मन थॉर्ने के पिता उनसे मिलने उनके चिकन फार्म पे आए। वहाँ पे नॉर्मन ने उन्हें अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में और तो और एलसी की प्रेगनेंसी के बारे में बताया। इस पर नॉर्मन के पिता ये बोलते हैं कि एलसी सिर्फ उनसे शादी करना चाहती है, इसीलिए ये प्रेगनेंसी की बात शायद झूठ हो सकती है। और ये बोला कि शादी के लिए बहुत ज्यादा जल्दी मत करो, क्योंकि ये पूरी जिंदगी का सवाल होता है। नॉर्मन को तो बस एक बहाना चाहिए था। उन्होंने अपने पिता की एडवाइस ली और एलसी को ये लिखा कि वो अभी शादी के लिए जल्दी नहीं कर सकते। अब बेचारी एलसी, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा सोसाइटी का प्रेशर था, वो इसे पढ़ने के बाद एकदम टूट जाती है। एलसी पिछले 4 से शादी का इंतजार कर रही है, लेकिन अब उसको ये रियलाइज हो जाता है कि शायद कभी भी उन दोनों की शादी नहीं हो सकती। लेकिन शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो एक बहाना था, नॉर्मन का रीजन तो शायद कुछ और ही था। अब दिन आता है 5 दिसंबर साल 1924 का, जब एलसी एक ट्रेन की 3rd class की टिकट खरीदती हैं और क्रोबॉक चली जाती हैं। अब उन्होंने टिकट तो खरीद ली, ट्रेन में भी बैठ गई, लेकिन उसके बाद किसी ने भी उनको कभी भी नहीं देखा। अब कई दिन बीत जाते हैं, एलसी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। इसीलिए एलसी के पिता नॉर्मन को एक टेलीग्राम लिखते हैं। वो उसमें उनसे एलसी के बारे में पूछते हैं, लेकिन नॉर्मन सीधा उनको जवाब दे देते हैं कि उन्हें एलसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये जानने के बाद बिना किसी देरी के एलसी के पिता ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और बिना किसी देरी के पुलिस ने क्रोबॉग में अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। अब क्योंकि उस टाउन में सिर्फ और सिर्फ 6,000 लोग रहते थे, इसीलिए बहुत जल्दी एक लीड उन्हें मिल जाती है। जब दो फार्मर्स ने पुलिस को ये बताया कि उन्होंने एलसी को चिकन फार्म की तरफ जाते हुए देखा था, लेकिन जब पुलिस ने नॉर्मन से पूछताछ करी तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एलसी को बहुत लंबे टाइम से नहीं देखा है। अब यहाँ पे पुलिस ने नॉर्मन की बातों पे ज्यादा ध्यान दिया, और उनको ये लगा कि वो दो फार्मर्स ने किसी और के अंदाजे में एलसी को बता दिया था। इसके बाद क्रिसमस बीत जाती है और न्यू ईयर आ जाता है, यानी साल 1925 स्टार्ट हो जाता है। अब एक रोज जब पुलिस ने नॉर्मन के चिकन फार्म की नेबर यानी मिसेस एनी से पूछताछ करी, तो उन्होंने बताया कि 5 दिसंबर साल 1924 को उन्होंने एनी को चिकन फार्म की तरफ जाते हुए देखा था। अब पुलिस के पास 3 witness थे जिसने उन्हें 5 दिसंबर को देखा था, और 5 दिसंबर को ही एलसी गायब हुई थी। अब ससेक्स पुलिस इस केस को बहुत ज्यादा सीरियस ले रही थी। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए ससेक्स पुलिस ने स्कॉटलैंड यार्ड की हेल्प भी मांगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। चीफ इंस्पेक्टर गिलन और इंक्वायरी इंस्पेक्टर एलन तुरंत नॉर्मन को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं और एक वारंट लेते हैं पूरे फार्म को अच्छे से तलाशी करने के लिए। जब पुलिस उस फार्म की तलाशी ले रही थी, तो एलसी का ब्रेसलेट, वॉच और ज्वेलरी उसी दिन पुलिस को मिल जाता है। अगले दिन पुलिस ने जब फार्म की खनाई चालू करी, तो वहां से एलसी का सूटकेस भी उन्हें मिल जाता है। उस सूटकेस के अंदर एलसी के कपड़े भी मौजूद थे। जब ऑफिसर गिलन नॉर्मन को इस पूरे वाक्या के बारे में बताते हैं, तो नॉर्मन बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। फिर वो ये बताते हैं कि 5 दिसंबर की रात को आखिर हुआ क्या था। फार्म पर एलसी बिना बताए आ जाती है, और वो बहुत ज्यादा अपसेट भी थी। एलसी नॉर्मन से ये बोलती हैं कि जब तक उन दोनों की शादी नहीं हो जाती, तब तक वो उनके साथ इसी फार्म पे रहेंगी। अब नॉर्मन उनसे ये बोलते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी शादी करने लायक नहीं है, और तो और अब उनकी एक नई गर्लफ्रेंड है जिसका नाम बेसी है, और इसीलिए वो एलसी से शादी नहीं कर सकते। इन सब चीजों को एलसी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वहां से नॉर्मन कहीं चले जाते हैं ये कहकर कि उनको किसी से मिलना है। अब यहाँ पे नॉर्मन बेसी और उनकी मदर से मिलने जा रहे थे। जब वो वापस रात के 11:30 आते हैं, और जैसे ही वो अपने फार्म का दरवाजा खोलते हैं, उनके सामने जो चीज थी वो चीज उनको पूरी जिंदगी हॉन्ट करने वाली थी। कमरे में एलसी ने वॉशिंग लाइन कॉर्ड की हेल्प से फांसी लगा ली थी। अब वो सब दृश्य देख के नॉर्मन के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि बाहर लोग ये जानते थे कि नॉर्मन बेसी को डेट कर रहे हैं। इसके बावजूद कि वो एंगेज हो चुके थे एलसी के साथ, इसीलिए सभी लोग ये मानेंगे कि नॉर्मन ने ही एलसी को मारा था। अब नॉर्मन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। इसी चक्कर में उन्होंने यहाँ पे एक ऐसी चीज कर दी
जिसकी किसी को भी उम्मीद भी नहीं थी। बाहर से वो अपना हैक्सो लाते हैं और मैरी का गला, पैर, हाथ सब कुछ काट देते हैं और एक बैग में भरकर पहले तो उसे बाहर ले आते हैं और अलग अलग हिस्सों को फार्म के अलग अलग जगह गाड़ देते हैं। अब एलसी कैमरॉन के साथ क्या हुआ था ये मिस्ट्री सामने आ चुकी थी, लेकिन ऑफिसर गिलन ने नॉर्मन थॉर्ने के ऊपर एलसी के मर्डर का चार्ज लगा दिया, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि एलसी को नॉर्मन ने ही मारा था। अब ये केस पूरे यूनाइटेड किंगडम में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और सबकी नजर इस केस के ट्रायल के ऊपर आ जाती है। ट्रायल हुआ ईस्ट ससेक्स के टाउन में लिविस में, जो बहुत ही सुंदर टाउन है। अब 4 मार्च साल 1925 को नॉर्मन के डिफेंस अटॉर्नी ने यह बोला कि एलसी ने सुसाइड ही किया था, और इस डर से कि उनकी डेथ का रीजन लोग नॉर्मन को ही बोलेंगे, इसी वजह से नॉर्मन ने यह हरकत करी थी। डिफेंस अटॉर्नी ने कोर्ट को यह भी बताया कि एलसी की दिमागी हालत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती थी, उनको नर्वस डिसऑर्डर्स भी होते थे, और इसी वजह से साल 1924 के पहले 6 महीने वो मेडिकेशंस पे भी थी। अटॉर्नी ने यह भी बताया कि वो अक्सर डिप्रेशन में रहती थी, उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते थे। अब मेरे हिसाब से ये सब चीज़ों का रीज़न तो खुद नॉर्मन ही थे, लेकिन अब यहाँ पे पुलिस ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि उस बीम पे जिस पे नॉर्मन ने ये बताया कि एलसी आत्महत्या कर मर गई थी, उस बीम पे वेट्स लगाकर पुलिस ने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन कोई भी वेट वो बीम झेल ही नहीं पा रहा था। और तो और जब पुलिस ने एलसी का नेक चेक किया तो उनके नेक पे भी कोई भी निशान नहीं था। इसके बाद जब प्रोसिक्यूटर ने नॉर्मन से ये पूछा कि वो बेसी और एलसी में किसको चूज करते, तो सीधा सीधा बिना किसी देरी के नॉर्मन ने बताया कि वो बेसी को चूज करते। और तो और उनको एलसी की मौत से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। अब सारे एविडेंस एक्सपेरिमेंट्स के बाद प्रोसिक्यूटर ने ये बोला कि नॉर्मन ने ही एलसी को मारा था, और वो सुसाइड स्टोरी सिर्फ और सिर्फ एक कवर अप था, क्योंकि वो बेसी के साथ रहना चाहते थे। अब 5 दिन की ज्यूरी के बाद नॉर्मन को गिल्टी पाया गया और उनको डेथ सेंटेंस दे दी गई। डेथ सेंटेंस के बाद भी नॉर्मन ने कभी भी ये एडमिट नहीं किया कि उन्होंने एलसी को जान से मारा था, उन्होंने हमेशा खुद को इनोसेंट ही बताया। अब कुछ लोग ये मानते थे कि नॉर्मन इनोसेंट ही थे। खैर 22 अप्रैल साल 1925 को नॉर्मन को वैंडस्मथ प्रिजन में फांसी दे दी गई। अब इस हैंगिंग से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। उसी दिन यानी 22 अप्रैल साल 1925 को ही एलसी का 27th बर्थडे था। एलसी के केस को सुनने के बाद, उसे अच्छे तरीके से समझने के बाद, जितनी तकलीफ आप लोगों को हुई है उतनी ही तकलीफ मुझे भी हुई थी। न जाने क्यों लोग धोखा देते हैं, और ये चीज़ तो मेरे समझ से परे है, मैं आप लोगों को ये चीज़ पहले भी बता चुका, लेकिन एक नई बात मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ। जितने भी लोग ये धोखा वगैरह देते हैं, चाहे कोई से भी धर्म के हो, ऊपर वाला इन लोगों से इस चीज का हर्जाना जरूर लेता है। भले आप लोग मेरी बात पे यकीन करिए या नहीं करिए, लेकिन इस चीज में बिल्कुल सच्चाई है, चाहे बात मेरी हो या आप सब लोगों की। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं चाहे बुरे, इन सभी चीजों का हर्जाना हमें इसी जन्म में देना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसीलिए अगर आप लोगों में से शायद कोई गलत काम करना चाहता है, तो उसे करने से पहले 100 बार सोचिएगा। खैर आपका क्या कहना है नॉर्मन थॉर्ने, एलसी कैमरॉन के केस के ऊपर, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ऐसे ही जल्दी जल्दी केसेस आते रहेंगे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और जब तक हमारी अगली मुलाकात नहीं होती, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करना है।